हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की बात, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। वर्णांधता किस रंगों के लिए होती है? तो याद रखिए, लाल और हरे रंग के लिए, कलर ब्लाइंडनेस। अगला है, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं बन पाता है? तो याद रखिए, इंसुलिन। अगला है हमारा, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिए, कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस। अगला है हमारा, कोणीय संवेग का मात्रक है? तो याद रखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। अगला है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो याद रखिए, अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल घूर्ण ना लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहता है। अगला है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो याद रखिए, बल। अगला है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? तो याद रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है, लेजर का अर्थ है? तो याद रखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिशन। अगला है, होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? तो याद रखिए, त्रिविमीय। अगला है, आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो याद रखिए, दोनों में 8 8 तत्व। अगला है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग 0 पैथिलीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो याद रखिए, नेत्रों से। अगला है हमारा, रेबीज की बीमारी अन्य किसका नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए, हाइड्रोफोबिया। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए, स्कर्वी। अगला है, श्यानता SI का मात्रक है? तो याद रखिए, प्रोवाइज। अगला है हमारा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो याद रखिए, काला। अगला है हमारा, जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो याद रखिए, न्यूट्रॉन की। अगला है हमारा, परमाणु में प्रोटीन कहाँ स्थित होते हैं? तो याद रखिए, नाभिक के भीतर। अगला है हमारा, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला है हमारा, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो याद रखिए, अवतल लेंस की भांति। अगला है, कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? तो याद रखिए, क्यूपरस लवण। अगला है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो याद रखिए, ट्रिप्सिन। अगला है, किस रंग के विकास में पौधों में विकास संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो याद रखिए, लाल रंग के विकास में। अगला है, मॉर्फिन पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखिए, पुष्कली या कैपर सीउल से। अगला है, किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना वन नाम दिया गया? तो याद रखिए, मैट सेट को। अगला है, विकास तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए, विकास के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला है, एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो याद रखिए, प्रतिरक्षा तंत्र। अगला है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो याद रखिए, रॉबर्ट हुक ने। अगला है हमारा, सिरका उद्योग में कौन जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिए, Acetobacter ACT। अगला है हमारा, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया? तो याद रखिए, वर्जीलियस ने। अगला हमारा, आवेग बराबर होता है? तो याद रखिए, फल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर। अगला हमारा, हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो याद रखिए, पेड़ा गुणांक। अगला हमारा, कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो याद रखिए, सौर ऊर्जा। अगला हमारा, वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े सड़े अंडों जैसी गंध देती है? तो याद रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगला हमारा, कैलामिन किस तत्व का प्रमुख गैस है? तो जिंक का। अगला हमारा, लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण? तो याद रखिए, ऑक्सीकरण। अगला है, RH फैक्टर की खोज की है लैंड स्टीनर वीनर ने। अगला है, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखता किसका बना होता है? तो याद रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है हमारा, तम्बाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड होता है? तो निकोटीन।
अगला है, कौन सा विटामिन घाव भरने के में सहायक होता है? तो विटामिन सी। अगला हमारा, ओरल रिहाइड्रेशन विलेन को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो याद रखिए दस्त में। अगला है, यदि कोई वस्तु आपतित विकास के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? तो याद रखिए काली विलेय। अगला हमारा, सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखिए 8 सेकंड। अगला हमारा, सेक्सटेंट का उपयोग किस माप करने में किया जाता है? तो याद रखिए 2 पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप के लिए। अगला हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्द क्यों पक जाता है? तो याद रखिए अंदर दाब बढ़ने से, पानी का क्वथनांक बढ़ जाने से। अगला हमारा, रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायक करने वाले वायुमंडलीय पद कौन सी है? तो याद रखे आइनोस्फीयर। अगला है, हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं? तो याद रखे पेरिकार्डियम। अगला है, धारा घनत्व कैसी राशि है? तो अदिश या सदिश? तो याद रखे आदिश है, धारा घनत्व सदिश राशि है। अगला है, यदि 40 वाट 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किसी बल्ब का तंतु अधिक मोटा होता है? तो 100 वाट के बल्ब का। अगला है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखिए रेटिना के सामने। अगला हमारा, रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है अपचयन। अगला है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो याद रखिए हाइड्रोजन का। अगला हमारा, मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु के मांग अथवा परमाणु भार पर आधारित होता है? तो याद रखिए परमाणु भार पर। अगला हमारा, अनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रयोगी के लिए किस अन्न को चुना? तो याद रखिए मटर को। अगला है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो याद रखिए सोडियम सिलिकेट। अगला हमारा, दर्द दूर करने वाली दवाओं क्या कहलाती हैं? तो याद रखिए एनाल्जेसिक। अगला, कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? तो याद रखिए अल्फा सेंचुरी। अगला है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो याद रखिए अमीनो अम्लों से। अगला हमारा, सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो याद रखिए क्षमता। अगला है, जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण का कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो याद रखिए पृष्ठ तनाव के कारण। अगला हमारा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साथ धारण क्या बोलते हैं? तो याद रखिए हरा कशिश। अगला है, आंख में आयरिस क्या काम करता है? तो याद रखिए आंख में प्रवेश करने वाले विकास की मात्रा का नियंत्रण। अगला हमारा, यदि माता का रक्त ए तथा पिता का बी तो संतान कौन सा समूह का हो सकता है? तो ए बी, ए बी और ओ, चारों। अगला हमारा, किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबे एवं मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? तो याद रखिए XYY सिंड्रोम। अगला हमारा, शरीर के द्रव में जल नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए ओसोमो रेगुलेशन। अगला है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए क्वासी रोग। अगला है, पर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु है? तो याद रखिए मैग्नीशियम। अगला है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? तो याद रखिए रॉबर्ट नोएस तथा गार्डन मूर 1971 में। अगला हमारा, सिग्नल आवृत्ति के बाद तरंगों पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो माडुलन। अगला हमारा, बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है क्योंकि वर्णक शीतलक जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला है, जब एक कुलाड़ी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम, तो इसका आंसर है वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला है हमारा, जब एक कुलाड़ी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है एरोसोल। अगला हमारा, एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मोह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो प्रेक्षेप की स्थिति है तो दक्षिण गोलार्ध में। अगला हमारा, यदि कोई वस्तु विकास के सभी अवयव रंगों का पूर्णता अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? काली। अगली है, अगला हमारा, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच
वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। अगला है हमारा, किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो याद रखिए, फिर किरण की घटना। अगला हमारा, ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो प्रतिरोध का। अगला है, श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुपात के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो याद रखिए, परिपथ के प्रतिरोध के बराबर। अगला है, भारी जल का आडुभार कितना है? तो 20। अगला है, डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो याद रखिए, ईंधन के संपीड़न से। अगला है, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो याद रखिए, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। अगला है, नाभिकीय सल्लेन पर आधारित बम है हाइड्रोजन बम। अगला है, वैक्टोरिया बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यू वैन किस देश के थे? तो हॉलैंड के। यहाँ या ये भी याद रखिए, बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यू वैन हॉक ने। अगला, आरटीओ स्क्लेरोसिस रोसी सर रोग क्या है? तो याद रखिए, धमनी कठिन धमनियों का कठोर हो जाना। अगला है, नेफोलॉजी का संबंध है तो किडनी से। अगला है, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा है? तो याद रखिए, फोटोन। अगला है, किस तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का व्यवहार होता है? तो याद रखिए, एम्पियर घंटा। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला है, शरीर में सबसे छोटी स्टेप्स कहाँ स्थित होती है? कान में। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एडिनल। अगला है, ऑस्टो मलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। अगला है, मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार होता है 0.7 मिमी मिलीमीटर। अगला है हमारा, रक्त लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल। अगला है, कांच सीमेंट क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व है? तो सिलिकॉन। अगला है, सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है? तो याद रखिए, ट्राई कैनोसिस। अगला है हमारा, साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अगला है हमारा, डीएनए में चार प्रकार के न्यूक्लाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एडिनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। अगला है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए, कॉर्पस लूटियम द्वारा। अगला है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिए, अपकेंद्रण सिद्धांत पर। अगला है, प्रोजिटॉन की खोज की है? तो याद रखिए, कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा। अगला हमारा, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन। अगला है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो याद रखिए, गैल्वेनोमीटर का। अगला है, सीमेंट एक बहुउपयोगी पदार्थ है, इमारतें पुल सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है? यह होता है तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सेलिकेट का मिश्रण। अगला है, क्लोरोफार्म का सर्वप्रथम खोज 1831 में लेविग ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम है तो याद रखिए, ट्राई क्लोरोमेथेन CsCl3। अगला है, लाल चींटियों शहद की मक्खियों वर्रों तथा तो बिच्छू आदि में पाए जाने वाले ऐसे एसिड जिसके कारण इसके काटने पर खुजली या तथा दर्द होता है क्या कहलाता है? फॉर्मिक एसिड HCOOH। अगला है, मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही को में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए, सिल्वर नाइट्रेट। अगला है, स्वीडन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे हैं? तो याद रखिए, 14वां। अगला है हमारा, अंटार्कटिक में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया? तो 1984 में। अगला है हमारा, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, नीले हरे शैवाल को। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो याद रखिए, वाटसन एवं
की। अगला है धनुष, धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एटीएस एंटीटॉक्सिन सीरम। अगला है नाभिकीय विकरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो याद रखिए अस्थि मज्जा। अगला है बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव। कौन सा? चुंबकीय प्रभाव। अगला है प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि उसके उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, यह किस अम्ल से बना होता है? तो याद रखिए अमीनो अम्ल। अगला है ऑर्गन नियोन कैप्टोन रीनान रे और रेडियो रेडान किस प्रकार की गैसें हैं? तो याद रखिए निष्क्रिय गैसें। अगला है दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? याद रखिए 5। अगला है भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो याद रखिए नांगल बड़ौदा हजीरा कोटा मानुगुरु तलचर थाल तूती कोरना कोरन। अगला है साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर से मिली मीटर से प्रति सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है पराध्वनिक तरंग सुपरसोनिक वेव। अगला है वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है, तो इसमें मापने की इकाई क्या है? तो याद रखिए डेसिमल। अगला है यदि किसी व्यक्ति में एनी एडी नलया अधिवेग के कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण फूट के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एडिनल ग्रंथियों के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया, यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है, इसका नाम है कोलंबिया। अगला है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। अगला है कंप्यूटर में आईसी चिप का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। अगला है स्पाइडिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है, तो याद रखिए मेरुदंड को। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड रंगीन मीठी गंध वाली गैस, इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह कहलाती है हास्य गैस। अगला है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधित तो बनाया जाता है? तो याद रखिए थायो एल्कोहल मार कैप्टन। अगला है ताजा मूत्र फ्रेश यूरिन में कौन कोई गंध नहीं होता, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है? कारण है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। अगला है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला है उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या है? तो अमोनिया। अगला है कंप्यूटर शब्द में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? याद रखिए कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला है शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है, इस क्रिया को कौन सा अंग कहलाता है? वित्त किडनी। अगला है शीतल पेय अचार एवं मुरब्बे के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। अगला है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन किस समय स्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। अगला है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम किस विज्ञान के क्षेत्र में से संबंध में संबंध है? तो परमाणु विज्ञान। अगला है आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया? शून्य वर्ग में। अगला किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रयास सैक्रीन का प्रयोग करता है? तो याद रखिए मधुमेह। अगला है हमारा विद्युत मस्तिष्क ले का प्रयोग किसके कार का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। अगला है हमारा खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना कहलाती है भूमि अपरदन। अगला है हमारा द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है, प्रथम भाग प्रजातीय नाम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, तो याद रखिए कैरोलस लिनियस। अगला है हमारा जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के साथ संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए वर्णपट या स्पेक्ट्रम।
अगला हमारा स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा पर मात्रा का आयतन त्वरण ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। याद रखिए चार्ल्स का नियम।